नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई 2021 के जो एग्ज़ाम हुए हैं 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये मैथ्स के क्वेश्चन मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स पे बनाया है, क्योंकि मेरी कोचिंग अभी बंद है, क्योंकि इस तरह बंद चल रही है तो मैं वहां पर जाकर आपको नहीं बता सकता। तो इसलिए मैंने पेज पर लिखकर जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन सबको सॉल्व किया है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इन द फ्यूचर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, आपको अच्छा लगेगा कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैथ्स के आपके स्क्रीन पे ये रहे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। बहुत से लड़के इसका आंसर 2π/3 लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? 2π/3। बट साइन इनवर्स साइन तब कटता है जब साइन की वैल्यू हमें पता है कितने के बीच होती है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में होती है। तो इस 2π/3 को हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए 2π/3 की जगह हम लोग पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 है, तो साइन से साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक की होगी तो इसीलिए आप लोग इसको देख लीजिए और कितने आपके सही हैं वो सब मिलाते जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री से आया हुआ है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका पूछा है कि इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है। ऑर्डर हम देखें, अगर मान लीजिए ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो इसके पावर 1/4 है। 1/4 अगर हम दोनों साइड 4 पावर कर दें तो ये 16 हो जाएगा। तो डिग्री कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर मिलाते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। थर्ड नंबर जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज आए हुए क्वेश्चन है। 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि गर्ल जो है अल्टरनेट बैठे, मतलब बॉय के बीच में दो लड़कों के बीच में एक लड़कियां बैठे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देख लीजिए 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 10 फैक्टोरियल नीचे लिख दे रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए लड़कों को बैठा जाए, 5 लड़के हैं तो 5 लड़के 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। और बीच में लड़कियों बैठने के लिए कितनी सीटें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 में से 5 तरीके से लड़कियाँ बैठ सकती हैं, 6p5। इसे ही सॉल्व कर दीजिए तो आपके आंसर आ जाएगा 1/42। 1/42 इस क्वेश्चन का आंसर है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स आया था, मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर पूछा था कि इसकी ऑर्डर कितनी है। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट है, 2 हैं, तो इसको 2/4 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया है, अब हमसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब इस ये तो फॉर्मूला है, आपको याद है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2, ठीक है। अब रिकवर से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? परमुटेशन का क्वेश्चन है, रिकवर में कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने वर्ड हैं? 7। तो 7 फैक्टोरियल बनाए जा सकते हैं। कितने वर्ड रिपीट हैं? 8 दो बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, ई 2 बार है तो ई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 1260, ठीक है। बहुलक से क्वेश्चन आए थे, बहुलक आप जानते हैं कि अगर कोई जैसे 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे वर्ड दे दिए, जैसे 2, 2, 2, 3, 4, 5, तो इसमें बहुलक क्या होगा? बहुलक 2 हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो बहुत क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 माइनस कॉस स्क्वायर 65, ये हो जाएगी। ये वैल्यू आप देख रहे हैं, और कॉस स्क्वायर 65 को हम लोग साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अब चलिए देखिए इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटीग्रेशन अब 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर π/2 क्या होता है? माइनस एक्स, ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए गलती से मिस्टेक हो गया, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ सही कर लीजिए, क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 1 and 2 को, देख रहे हैं क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। 0 to π/2 1 dx हो गया, तो x आएगा, x को 0 to π/2 रख दीजिए और इसकी लिमिट ले लीजिए, कितना आ गया? π/2 आंसर। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का आपसे पास डिफरेंशियल पूछा था, हमने सबको बताया फॉर्मूला, आपको याद है -1/√1 − x²। अब देखिए y²(4x)=0, x=3 और x अक्ष से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो हमने बना लिया y²(4x) एक परवल है, वो बना लिया पैराबोला। x=0 इसका इक्वेशन है, x=3 इसका है, और x=0 इसका है। इससे बनने वाले इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें लिमिट पता चल कि 0 से 3 है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। जब भी हमें निकालना होता है तो 0 से 3 y dx कर देते हैं, y की वैल्यू रख देंगे 2√a,
एक्स, ये कैसे आया जानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से लगा के रख दिए। अब इसके लिमिट ले लिए, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लगा दिया 0 से 3 के इसमें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सॉल्व किया था, 4√3 आंसर आ गया। आप लोग सॉल्व करते रहिए, जहाँ भी आपको दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई सर ये आपको समझ में नहीं आया, आप हमें समझा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टेन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट पूछा है। अब देखिए एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये किस फॉर्म में बन गया, 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एल हॉपिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉपिटल रूल लगाते ही सेक स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये याद करने वाला है, जो याद करने वाला है मैं बताऊंगा। ये है एक जनरल इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है सब लोग बता सकता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कह रहा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे काटता है तो उसका अंतखंड का मान क्या होगा। तो हमें जानते हैं जब भी एक्स एक्सिस पे काटता है और अंतखंड की जो वैल्यू होती है 2√g2 - c होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो याद है, सब फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं पेपर कितना आसान आ रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। केंद्रक का फॉर्मूला पूछा है, केंद्रक का फॉर्मूला तो ये 10th क्लास में भी पढ़ रखें, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं मिल पाया है, तो इसमें क्या था क्या नहीं था आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब आया था कि के की वैल्यू निकाली है या एंगल निकाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूरा नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आया था यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन आया था कि ये वैल्यू दे दी, इसका यूनिट वेक्टर कितना हुआ। तो ये वैल्यू है, इसको ऊपर जीव कहते हुए लिखिए और नीचे जो इसका मॉडुलस ले लीजिए, 1 2² + 2² ऐड कर देंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछता है, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये 1 + x^n फाइंड tr+1। tr+1 का फॉर्मूला पता है कि ncr a^n - b^r होता है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ncr x^r। देखिए ये ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, 20वां नंबर। तालाब में स्थिर पाया, जैसे तालाब है उसमें एक पत्थर फेंक देंगे तो एक तरंग बनेगी, वो जो तरंग होगा सर्कल के आकार का बन रहा है, ठीक है। उसकी त्रिज्या दे रखी है और विस्थापन दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है dr/dt इतना, ठीक है। ये दे रखा है, पूछा है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज कितना होगा, a π r² के dr/dt निकालिए, वैल्यू इसकी दी हुई है इसमें रखिए, 220 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आसान था। एम्प्टी सेट आपको पता लगाने के लिए दिया था और ऑप्शन में यही ऑप्शन दिया हुआ था, एम्प्टी सेट के x² + 1 = 0, ऐसा कोई भी रियल नंबर में x नहीं मिलेगा जिसका सम करने पे 0 आ जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं या फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और मेरी ये सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी में पसंद आ रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने ये सॉल्यूशन को सॉल्व किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना वीक पोर्शन जरूर बताइए। अगर आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है तो मुझे बताइए, मैं इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ। तो चलिए, बाय, गुड नाइट।